जनपद शामली के गांव लाख में एक नवविवाहिता पत्नी अपने पति और देवर को नशीला पदार्थ खिलाकर फरार हो गई। पीड़ितों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए ये रिपोर्ट। बाबूराम, अच्छा बाबूराम जी, क्या बात हुई जो ये लड़की फरार हो गई? जहर दे गए अपने पति को और अपने देवर को, जहर दे गए घर से सामान लेकर, करीब 5,000 रुपये लेकर फरार हो गई। जी क्या बात हुई, क्या मैं तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे जहर दिया, क्या बात हुई? अच्छा, तो उसमें आपने तहरीर वहरीर दी? हाँ तहरीर दी जी खड़े में। अच्छा, कोतवाली सामने में तहरीर दी। तो कुछ तो मैटर हुआ होगा कि जहर वहर दिया? काफ़ी लोग मेरे साथ जी, मैटर का तो पता नहीं, घर में तो सब ठीक ठाक मामला, उसके यहाँ कोई सास नहीं है, देव वो ननद भी नहीं है। अच्छा, किसी से कुछ कहना सुनना नहीं। तो कैसे पता चला आपको उनको जहर दिया गया है? जहर में नशे में पाए गए जी, वे बेहोश थे। अच्छा, तो हॉस्पिटल में एडमिट? हाँ जी, शामली हॉस्पिटल में एडमिट। सर जी, गाँव लाख में एक दुल्हन ने अपने देवर और पति को जहर देकर फरार हो गई, मान लेगा सर, क्या कहूँ? ये कोतवाली शामली क्षेत्र अंतर्गत गांव लाख का मामला है। यहाँ एक महिला अपने पति और देवर के साथ सिटी में कुछ खरीदारी करने आई थी, वहीं पे उन लोगों ने कुछ चाय वगैरह पी, जिसमें संभवतः महिला ने या तो इसमें कुछ नशीला पदार्थ या कुछ इस तरह की चीज़ मिलाई, जिससे इसके पति और देवर वहीं बेहोश हो गए। उसके बाद महिला उन्हें वहीं छोड़ कर चली गई। जब इसके पिता जो लड़का है और जो महिला का पति और देवर है, जब इनके पिता को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने कोतवाली शामली पे तहरीर दी है इस बारे में। हम इसमें अभी जांच कर रहे हैं और इसमें आगे की सर बता जा रहा 3 महीने पहले शादी हुई थी और पैसे वैसे लेकर फरार हुई? नहीं, जो भी वो कैश घर से लेके आई थी, जो भी चीज़ें थी उसके साथ, वही लेके सामान वो गई है, और बाकी हम लोग जाँच कर रहे हैं, जैसे भी तथ्य निकल के आएंगे ठीक है, आगे जगह कार्रवाई की जाए। बड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही, देखते रहिए केवी न्यूज़ इंडिया।